You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हमारी एक तरह की रॉक है वो कई बार दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है. एक कंडीशंस होती हैं कुछ उसके अंतर्गत वो दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक तरह से साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका ये जो प्रोसीजर है जिससे एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह के प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक. अभी आपने सबसे पहले देखा कि कैसे जब मोल्टन मैग्मा जो है वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक्स को बनाता है. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स. अब क्या होता है, ये जो इग्नियस रॉक्स है जब ये टूटती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है. उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स. और फिर इनको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या ये कहीं जमा हो जाती हैं, चाहे विंड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से, और तब ये बनाती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स. व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब जब यही सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक्स को हम बहुत हाई हीट और प्रेशर में दबाते हैं या यूज करते हैं तो क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. और अगर हम इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक्स को फिर प्रेशर और हीट में लगाएं तो ये दोबारा लिक्विड मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस. फिर ये मोल्टन मैग्मा जो है वो ठंडा होगा और फिर इग्नियस रॉक बना. तो एक तरह से ये क्या चल रही है, हमारी रॉक साइकिल.